के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। आयुक्त कार्यालय पर कमिश्नर ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अर्पित की श्रद्धांजलि। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी जय नारायण सिंह ने किया गोरखपुर के आईजी का कार्यभार ग्रहण। कहा, महिला आरक्षियों के समस्याओं की जाएगी काउंसलिंग। दीवानी न्यायालय में गांधी और शास्त्री की जयंती पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। जनपद न्यायाधीश ने कहा, दोनों महापुरुषों से लेनी चाहिए प्रेरणा। राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा पूर्वक किया गया याद। जिलाधिकारी ने गांधी जी व शास्त्री जी के जीवन संघर्ष, उनकी देश सेवा, उनके जीवन मूल्यों पर डाला प्रकाश। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद न्यायाधीश ने लगाया झाड़ू। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। कहा, गांधी के भारत को स्वच्छ बनाने में हम सबका दायित्व। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर महापौर ने फहराया झंडा। राष्ट्रपिता के पद चिन्हों पर चलने का दिया संदेश। 15 अक्टूबर तक हो जाएगा गोरखपुर जिला ODF घोषित। DPRO ने दी जानकारी। गंदगी और शुद्ध पेयजल को लेकर रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। साफ सफाई की मांग। चीफ प्रॉक्टर ने कहा, जल्द ही उनकी समस्याओं का कर दिया जाएगा समाधान। गोरख पूर्वांचल ऑटो ऑपरेटर एसोसिएशन के सहयोग से पुलिस अधीक्षक यातायात ने ऑटो चालकों को वितरित किया निःशुल्क वर्दी। समाज सेवी संस्था हम है ना ने लगाया लंगर। गरीब असहायों को कराया भोजन। SSP ने कहा, पुलिस का ये कार्य सराहनीय, दूसरे के लिए बनेगा नजीर। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर नगर निगम के सदन हॉल में किया गया सभा। नगर आयुक्त ने कहा, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की ली शपथ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नाट मंच के माध्यम से हिंदू जागरण मंच ने लोगों को किया जागरूक। स्वच्छता का दिया संदेश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महात्मा गांधी कॉलेज के छात्रों ने निकाली रैली और झांकी। लिया उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प। नशा मुक्ति के लिए श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट ने निकाली रैली, किया दीप यज्ञ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने निकाली कैंडल मार्च। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष अहिंसा एवं आतंकवाद के विरुद्ध मानव श्रृंखला बनाकर गांधी को किया गया याद। और गोलघर स्थित गांधी आश्रम में चरखा चलाकर किया गया बापू को याद, दी गई श्रद्धांजलि।